idea. The whole experience was rapidly turning into something I was beginning to seriously regret. सारा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत तेजी से इस तरह चेंज हो रहा था कि बहुत ही एक पछतावा फील हो रहा था कि ये सही नहीं हो रहा. What had started out as something supposedly fun, what had started? कि वो ये था कि शुरू इस तरह किया गया था कुछ फन होगा इस तरह से एक फर्ज किया and different was quickly becoming one of the worst trips ever. और ये एक बहुत ही बदतरीन जो था वो सफर में तब्दील होने जा रहा था बहुत तेजी से. ओके जी, यहाँ पे देखिए रैपिडली टर्निंग, ये एक्सपीरियंस के लिए लिखा गया. द होल एक्सपीरियंस वाज रैपिडली टर्निंग. रैपिडली मींस क्विकली, स्पीडली, टर्निंग मींस चेंजिंग. यानी मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस था वो कम्प्लीटली चेंज हो रहा था, जैसे सोचा था उससे अपोजिट होने जा रहा था. ओके, टू सीरियसली रिग्रेट. रिग्रेट का मतलब होता है सैड फीलिंग्स, या उर्दू में हम कहते हैं पछतावा, गिल्ट, रिपेंटेंस. यानी मैं सच में जो है पछताने लगा था कि मैंने ऐसा क्यों सोचा, ये प्लान क्यों बनाया. और उसके बाद देखिए सपोजिटली फन. सपोजिटली हम यूज करते हैं तब जब हमने ऐसी सिचुएशन के बारे में कहना हो, यानी इसका उर्दू में मतलब बनता है फर्ज किया गया. ठीक है, जिस सोचा समझा गया, यानी जिस सपोजिटली फन, जिसको फन समझा गया था, जिसको फन कयास किया गया था. ओके, लेकिन वो उसे ऑपोजिट हो गया. ओके, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछे. वन बाय वन पैराग्राफ्स को आपने देखना है कैसे एक एक पैराग्राफ में कौन कौन सी सिचुएशन जो है वो यानी टॉक अबाउट जो है वो की गई है. इसी तरह से आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करना है सेम फ्रेजेस के साथ. हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं. सर, यहाँ से आप रीडिंग कर लें. इवेंचुअली, Eventually, we arrived the city, the city, and I wasn't really in good mood to go shopping, so I stopped at a cafe to drink something and just relax a moment before heading to the shops. आखिरकार हम उस शहर में पहुंच गए और मैं एक अच्छे मूड में नहीं था कि मैं शॉपिंग करने जाऊं, इसलिए मैं एक कैफे पर रुक गया पीने के लिए कुछ और आराम करने के लिए चंद मिनटों. जी, इसमें ये देखिए कैफे एंड बिफोर हेडिंग, अ मोमेंट बिफोर हेडिंग टू द शॉप्स. यहाँ पर हेड जो है एज अ वर्ब यूज हुआ है और इसके लिए हम यूज करते हैं. यहाँ पे हम इसका मीनिंग लेंगे बिफोर गोइंग. ठीक है, बिफोर टर्निंग, बिफोर थिंकिंग ऑफ. ओके, हेडिंग का मतलब यानी जिस तरफ हम अपना रुख करके जहाँ जिस डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, जिस डायरेक्शन में जाने का सोच रहे हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं हेडिंग टूवर्ड्स. यहाँ पे आया हेडिंग टू द शॉप्स, यानी उन शॉप्स की तरफ जाने से पहले. ओके जी, लास्ट पैराग्राफ है उसकी रीडिंग करते हैं. It really has to be one of the worst trips I have ever made on a bus. Yani ye sach mein jo hai one of the worst trips jo hai ise hona tha I have ever made on a bus. Aaj tak jo maine bus pe kiya tha, now I wish I had just waited. Aur ab main soch raha tha ki kaash main just wait kar leta until I had my car back. यहाँ तक कि मुझे मेरी कार वापस मिल जाती, इट वुड हैव बीन सो मच इजियर. यानी वो इंतजार कर लेना वुड हैव बीन सो मच इजियर, ये ज्यादा अच्छा हो सकता था इसमें मेरे लिए. यानी बॉदरेशन नहीं थी, बॉदरसम नहीं थी. अब यहाँ पे फ्रेज देख लेके, इट वुड हैव बीन, वुड हैव बीन, पास्ट के लिए हमने ये यूज किया, ये हो सकता था. यानी ऐसी सिचुएशन जो क्रिएट तो हो गई है लेकिन हमारी पसंद के मुताबिक नहीं है, हम उसके लिए कह रहे हैं इट वुड हैव बीन. वैसे तो वुड हैव है लेकिन ये पैसिव है, इसलिए हमने बीन साथ लगा दिया. इट वुड हैव बीन सो मच इजियर.